आज के स्टूडियो लेक्चर में हम लोग नाइन्थ क्लास के चैप्टर पॉलीनोमियल से 8 एमसीक्यूज कवर करेंगे जो कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस अपने आप में एक से बढ़कर एक हैं, तो हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझते हैं और सीधे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है एक्स माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि अगर एक्स माइनस 2 इस दिए गए पॉलीनोमियल का एक फैक्टर है तो फिर ए की वैल्यू क्या होगी। तो क्या निकालना है, ए की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है और ये हम लोगों के सामने 4 ऑप्शंस है। तो जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो सबसे पहले तो जो हम लोगों को पॉलीनोमियल दिया होता है ना, इसको हम लोग नेम दे देते हैं। तो चलो इसको नेम दे दिया क्या, पी एक्स, करेक्ट है। अब इस पॉलीनोमियल पी एक्स का एक्स माइनस 2 एक फैक्टर है, और जब एक्स माइनस 2 इस पॉलीनोमियल का एक फैक्टर है तो क्या याद आ जाना चाहिए, फैक्टर थ्योरम याद आ जानी चाहिए। और फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर एक्स माइनस ए किसी भी पॉलीनोमियल पी एक्स का एक फैक्टर है तो उस केस में पी ए किसके इक्वल होगा, इसकी वैल्यू होगी 0 के इक्वल। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई ए आता कहाँ से है, ठीक है। तो ये ए मिलता है हम लोगों को इस फैक्टर से। हम लोग क्या करते हैं, इस फैक्टर जो भी हम लोगों को फैक्टर दिया होता है उसको हम लोग 0 के साथ में इक्वेट कर देते हैं और यहाँ से वेरिएबल यानी कि एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू देखिए कितनी निकल के आई, a निकल के आई, और इसी का यूज़ हम लोग यहाँ पर करते हैं। मतलब पी ए तब 0 होगा कब, जब x माइनस ए इस पॉलीनोमियल पी एक्स का एक फैक्टर होगा। तो ये है फैक्टर थ्योरम। अब इसी का यूज़ हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ फैक्टर क्या दे रखा है, x माइनस 2। तो x माइनस 2 को 0 के साथ इक्वेट करें और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली हम लोगों को, 2, करेक्ट है। अब क्योंकि x माइनस 2 इस पॉलीनोमियल पी एक्स का एक फैक्टर है तो फिर पी ए और ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2 ना, तो पी 2 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब ये तो कैसी फॉर्म है भाई, ये तो पॉलीनोमियल फॉर्म है। अब इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालें हम लोग, इस पॉलीनोमियल पी एक्स में एक्स की जगह पर देखिए क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, करेक्ट है। तो चलिए रख दीजिए, जहाँ जहाँ एक्स देखे वहाँ वहाँ 2 रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर देखा तो एक्स की जगह पर रखा 2 और इसका स्क्वायर लगा दिया। अगला टर्म क्या है, प्लस का 3ax, तो हम लोगों ने लिखा 3, साथ में लिखा a और x की जगह पर रख दिया 2। फिर क्या है, माइनस का 2a, तो माइनस का 2a एंड दिस इक्वल टू 0। अब करो इसको सिंप्लीफाई, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6 और साथ में क्या है a, तो क्या मिला हम लोगों को, प्लस का 6a, माइनस का 2a है एज इट इज़ रखिए एंड दिस इक्वल टू 0। अब 6a में से 2a माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 4a और साथ में क्या है 4, सो 4a प्लस 4 इक्वल टू कितना हुआ 0। हमें a चाहिए तो लिख सकते हैं 4a इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज कर दें, माइनस का 4, इस तरीके से a कितना आया, माइनस का 4 अपॉन 4, जो कि कितना निकल के आ जाता है फाइनली, माइनस का 1। तो a की वैल्यू क्या निकल के आई, माइनस का 1 है कहीं ऑप्शंस में, यस ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलीनोमियल इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। तो क्वेश्चन में बोला है कि जब इस पॉलीनोमियल को हम लोग एक्स माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर होगा। इसका मतलब क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, रिमाइंडर थ्योरम से, क्योंकि रिमाइंडर फाइंड करना है और फिर रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है। तो रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि अगर किसी भी पॉलीनोमियल पी एक्स को हम लोग एक्स माइनस ए से डिवाइड करें तो उस केस में जो रिमाइंडर निकल के आता है वो कितना होता है, वो होता है पी ए के इक्वल, करेक्ट है। फिर से वही क्वेश्चन कि ए कहाँ से मिलेगा, तो ए मिलेगा इस डिवाइज़र से, जिससे कि हम लोग पॉलीनोमियल को डिवाइड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस डिवाइज़र को 0 के साथ में इक्वेट करते हैं और इस तरीके से एक्स की वैल्यू क्या निकल के आती है, ए निकल के आती है, और उसी का यूज़ हम लोग रिमाइंडर फाइंड करने के लिए करते हैं। तो यहाँ इस केस में डिवाइज़र क्या है, एक्स माइनस 1, इसका मतलब एक्स माइनस 1 को इक्वेट करें 0 के साथ में और इस तरीके से यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। अब जब पॉलीनोमियल पी एक्स को, इसको नेम क्या दे दिया हम लोगों ने, पी एक्स, अब जब इस पॉलीनोमियल पी एक्स को हम लोग x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में रिमाइंडर क्या होगा, उस केस में रिमाइंडर होगा रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग पी ए, और ए की यहाँ पर वैल्यू कितनी है, देखिए ए की वैल्यू तो 1 निकाली है ना, इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा, तब रिमाइंडर होगा पी 1। लेकिन ये तो कैसी फॉर्म है, पॉलीनोमियल फॉर्म है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, इस दिए गए पॉलीनोमियल में एक्स की जगह पे क्या रख दें, 1 रख दें। तो चलिए रखते हैं, पहला टर्म क्या है, एक्स क्यू ना, तो एक्स की जगह पे रखिए 1 और इसका क्यूब कर दीजिए। फिर माइनस 2x स्क्वायर है, माइनस रखिए, 2 रखिए और x की जगह पे 1 रखिए और इसका स्क्वायर। फिर प्लस का x है तो प्लस का
वन रख दीजिए और प्लस का वन है लास्ट में, सो दिस। अब इसको कर लीजिए सिंप्लीफाई, वन का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा वन, वन का स्क्वायर करोगे तो वन, और वन का मल्टीप्लाई माइनस टू में करेंगे तो कितना होगा माइनस का टू, ये मिला हम लोगों को प्लस का वन और लास्ट में क्या है प्लस का वन। तो वन प्लस वन प्लस वन कितना हो गया, ये हो गया थ्री और ये क्या है माइनस का टू, और थ्री माइनस टू कितना हुआ, ये निकल के आ जाता है वन। इसका मतलब रिमाइंडर कितना निकल के आया वन, देखिए जरा ऑप्शंस, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है इस तरीके से। अब थर्ड क्वेश्चन में दिया है एक्स क्यू प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस के इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स प्लस टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर ये पॉलीनॉमल एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है किससे, इस पॉलीनॉमल से, तो फिर के की वैल्यू क्या होगी। अब जब ये पॉलीनॉमल एग्जैक्टली इस पॉलीनॉमल से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि एक्स प्लस टू क्या होना चाहिए इस पॉलीनॉमल का फैक्टर, और जब ये फैक्टर है तो कौन सी थ्योरम याद आ जानी चाहिए, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो अब क्या लगाना है हम लोगों को, फैक्टर थ्योरम लगानी है। और फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर एक्स माइनस ए किसी भी पॉलीनॉमल पी एक्स का एक फैक्टर है तो उस केस में पी ए की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, जीरो के इक्वल होनी चाहिए। करेक्ट है, तो शुरुआत कहाँ से करनी है, इस फैक्टर के साथ में। तो हम लोग क्या करें, इस फैक्टर को इक्वेट करें किसके साथ, जीरो के साथ में। तो x प्लस टू इक्वल टू जीरो, और यहाँ से x की वैल्यू तब क्या निकल के आई, माइनस का टू। अब क्योंकि x प्लस टू इस दिए गए पॉलीनॉमल को अगर हम लोग नेम देते हैं पी एक्स, तो इस दिए गए पॉलीनॉमल पी एक्स का एक फैक्टर है, तो फिर फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग पी ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो, और a यहाँ पर कितना है, माइनस का टू। बात समझ आती है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयर फोर पी माइनस टू मस्ट बी इक्वल टू जीरो। लेकिन ये तो कैसी फॉर्म है, पॉलीनॉमल फॉर्म, इसकी वैल्यू निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, इस दिए गए पॉलीनॉमल में x की जगह पे क्या रख दें, माइनस का टू रख देते हैं। तो चलिए रखिए, पहला टर्म क्या है एक्स क्यू, तो x की जगह पे रखा हम लोगों ने माइनस का टू और क्यूब कर दिया इसका। प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर अगला टर्म, तो प्लस का सिक्स रखिए, x की जगह पे माइनस टू और इसका स्क्वायर। प्लस फोर एक्स है तो रखिए भाई फोर और x की जगह पे माइनस टू। फिर लास्ट में क्या है, प्लस का k, सो प्लस k इक्वल टू जीरो। कर दो जिसको सिंप्लीफाई, माइनस टू का क्यूब करेंगे, देखो एक नेगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो नेगेटिव, और टू का क्यूब होता है एट। करेक्ट है, एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, और टू का स्क्वायर किया तो फोर, और यहाँ पे क्या है सिक्स, तो सिक्स इंटू फोर लिख सकते हैं उसको। पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर जब मल्टीप्लाई किए जाएंगे तो रिजल्ट होगा नेगेटिव, फोर टू जा एट हो जाएगा। प्लस का के है रखिए, एंड दिस इक्वल टू जीरो। फर्दर करते हैं इसको सिंप्लीफाई, माइनस का एट और माइनस का एट कितना हो गया, माइनस का सिक्सटीन, सिक्स इंटू फोर कितना हो जाएगा, प्लस का ट्वेंटी फोर, और साथ में क्या है के, एंड दिस इक्वल टू जीरो। अब माइनस सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फोर कितना होगा, प्लस का एट प्लस के इक्वल टू जीरो, और इस तरीके से के कितना निकला, ट्रांसपोज कर दीजिए तो के निकल के आ जाता है माइनस का एट। ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन सी में दिखा हम लोगों को माइनस का एट, इसका मतलब ये सही है। अब अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल वही है, इसमें दिया है हम लोगों को इफ एक्स की पावर 140 प्लस टू इंटू एक्स की पावर 150 प्लस के इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर x प्लस वन से एग्जैक्टली ये पॉलीनॉमल डिवाइड हो जाता है, और जब x प्लस वन से एग्जैक्टली पॉलीनॉमल डिवाइड हो जाता है तो x प्लस वन क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए इस पॉलीनॉमल का, और जब ये फैक्टर है तो कौन सी थ्योरम याद आ जानी चाहिए, फैक्टर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, जो फैक्टर हम लोगों को दे रखा होता है सबसे पहले इसको इक्वेट करते हैं जीरो के साथ में, और यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जो कि अभी कितनी मिली, माइनस का वन। अब इस पॉलीनॉमल को हम लोग नेम देते हैं पी एक्स, करेक्ट है, तो क्योंकि एक्स प्लस वन इस पॉलीनॉमल पी एक्स का एक फैक्टर है, तो फिर पी ए की वैल्यू, और ए यहाँ पे कितना है, माइनस का वन। देयरफॉर फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग पी ए यानी कि माइनस वन की वैल्यू, पी माइनस वन की वैल्यू जीरो के इक्वल होनी चाहिए। बट ये पी माइनस वन तो ये तो पॉलीनॉमल फॉर्म है, अगर इसकी हम लोगों को वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, इस पॉलीनॉमल में एक्स की जगह पर क्या रख दें, माइनस का वन रख दें। तो चलिए रखिए, तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स की पावर 140, तो एक्स की जगह पर क्या रखें, माइनस का वन, और इसकी पावर लगा दें हम लोग 140। अगला टर्म क्या है, प्लस का टू इंटू एक्स की पावर 151, तो प्लस टू को एज इट इज़ रखिए और एक्स की जगह पर रखा माइनस का वन, और इसकी पावर क्या है 151। लास्ट टर्म क्या है के, तो प्लस का के इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। अब करते हैं इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई, यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस वन और इसकी पावर क्या है 140, यानी कि एक नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर की पावर कैसी है, अपने आप में एक इवन नंबर है, और एक नेगेटिव नंबर की पावर अगर एक इवन नंबर हो तो रिजल्ट कैसा आता है, पॉजिटिव, मतलब माइनस की टेंशन खत्म। और वन की पावर कुछ
भी लगाइए, वन या वन से बड़ा नंबर, तो रिजल्ट क्या देगा, हमेशा वन देगा। मतलब फाइनली जब हम लोग इस टर्म को सॉल्व करें तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोगों को मिलेगा वन। प्लस का साइन रख देते हैं। अब देखो टू को तो एज इट इज़ रख दिया, यहाँ पे क्या है माइनस का वन और पावर क्या है 151, यानी कि एक नेगेटिव नंबर की पावर कैसी है, अपने आप में एक ऑड नंबर है, और नेगेटिव नंबर की पावर अगर एक ऑड नंबर हो तो रिजल्ट कैसा होगा, रिजल्ट होगा माइनस यानी कि नेगेटिव, और फिर नंबर क्या है वन, और वन की पावर चाहे वन रखिए, वन से बड़ा नंबर रखिए, रिजल्ट हमेशा क्या देगा, वन देगा। मतलब यहाँ से मिलेगा तब हम लोगों को माइनस का वन। आखिरी टर्म क्या है के एंड दिस इक्वल टू जीरो। अब देखो वन एज इट इज़ रखा, टू इंटू माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस का टू प्लस का के है एंड दिस इक्वल टू जीरो। तो वन माइनस टू कितना हुआ, माइनस का वन प्लस के इक्वल टू जीरो। इस तरीके से के की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, माइनस वन को करते हैं ट्रांसपोज तो ये हो गया प्लस का वन। तो के की वैल्यू क्या निकल के आती है, वन निकल के आ जाती है। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है लेट एफ एक्स बी द पॉलीनोमियल सच दैट एफ माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू जीरो, देन द फैक्टर ऑफ एफ एक्स इज। तो क्वेश्चन में दिया है कि एफ एक्स एक पॉलीनोमियल है एक कंडीशन के साथ में, और कंडीशन क्या है कि एफ माइनस वन अपॉन टू की वैल्यू किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो बताइए इन पॉलीनोमियल्स में से कौन सा पॉलीनोमियल एफ एक्स का एक फैक्टर है। तो क्या निकालना है कि इन पॉलीनोमियल्स में से एफ एक्स का कौन सा एक फैक्टर है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले बोला क्या गया है कि एक पॉलीनोमियल है जिसका नाम क्या है एफ एक्स, और एक कंडीशन के साथ में, और कंडीशन क्या है कि एफ माइनस वन अपॉन टू की वैल्यू किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। अब जब हम लोग इस पॉलीनोमियल और इस कंडीशन को देखें तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई एफ एक्स एक पॉलीनोमियल है, और इस पॉलीनोमियल में एक्स की जगह पे क्या रख दिया गया है, माइनस का वन अपॉन टू रखा गया है, और इस तरीके से इस पॉलीनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। राइट ना, इसका मतलब एफ एक्स में एक्स की जगह पे माइनस वन अपॉन टू रख देने से इस पॉलीनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है। तो इसका मतलब ये रखा गया नंबर यानी कि माइनस का वन अपॉन टू अपने आप में क्या हुआ, इस पॉलीनोमियल एफ एक्स का एक जीरो हो जाता है, यानी कि एक्स इक्वल टू माइनस का वन अपॉन टू इस पॉलीनोमियल का एक जीरो है। अब जब माइनस वन अपॉन टू इस पॉलीनोमियल का जीरो है तो फैक्टर क्या होगा, के लिए क्या करें, इसको ट्रांसपोज कर दें, ये प्लस में जाएगा, तो एक्स प्लस वन अपॉन टू इक्वल टू क्या बचा, जीरो। अब हम लोगों के सामने एक इक्वेशन तैयार हो गई, और इस इक्वेशन में ये टर्म गड़बड़ कर रहा है ना, अपॉन में टू है, तो क्या करें, इस अपॉन को ख़त्म करने के लिए टू से दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर दें। तो जब इस टर्म को टू से मल्टीप्लाई करोगे तो टू एक्स होगा, इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो वन होगा, और जीरो को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। इसका मतलब टू एक्स प्लस वन क्या हुआ, इस पॉलीनोमियल का एक फैक्टर होगा। है कहीं ऑप्शन में, यस टू एक्स प्लस वन यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में दिया एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन ओनली इफ, और ये रही हम लोगों के सामने फोर कंडीशंस। बोला गया है कि एक्स प्लस वन इस पॉलीनोमियल का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में हो सकता है, किस कंडीशन में, इन फोर में से हम लोगों को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो किसके फैक्टर होने की बात कर रहे हैं, एक्स प्लस वन के फैक्टर होने की बात कर रहे हैं, किसका, इस पॉलीनोमियल का। तो नाम दे देते हैं इसको पी एक्स, करेक्ट है। तो पी एक्स पॉलीनोमियल का ये फैक्टर किस कंडीशन में हो सकता है, वो कंडीशन हम लोगों को फाइंड करनी है। अब जब इसके फैक्टर होने की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करें, इसको इक्वेट करें जीरो के साथ में, और इस तरीके से एक्स की वैल्यू क्या निकाली, माइनस का वन। अब क्योंकि ये फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम को याद करते हैं। फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर ये एक फैक्टर होगा इस पॉलीनोमियल का तो पी ए की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, जीरो के इक्वल होनी चाहिए, और ए कितना है यहाँ पर, माइनस का वन। यानी कि फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग p माइनस वन कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लेकिन ये तो कैसी फॉर्म है, ये तो पॉलीनोमियल फॉर्म है, और अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं, गिवन पॉलीनोमियल पी एक्स में x की जगह पे क्या रख दें, माइनस का वन। तो चलिए रख देते हैं इस पॉलीनोमियल में x की जगह पे माइनस वन, तो हम लोग रख रहे हैं x की जगह पे माइनस का वन, और पावर क्या है एन है, रखिए। फिर अगला टर्म क्या है, प्लस का वन, सो प्लस का वन एन दिस इक्वल टू उधर क्या है, जीरो। फिर लिख सकते हैं माइनस का वन और इसकी पावर एन इक्वल टू कितना होगा, वन को ट्रांसपोज कर दे तो माइनस का वन। अब जो हम लोगों के सामने स्टेटमेंट निकल के आ रहा है वो क्या कह रहा है कि भाई एक नेगेटिव नंबर है और इसकी पावर एन है, जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाता है तो फाइनली जो आउटकम निकल के आता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस के वन के। यानी कि ये अपने आप में कैसा नंबर है, एक नेगेटिव नंबर निकल के आ रहा है, और इधर भी नेगेटिव नंबर है। और हम लोग जानते हैं कि कभी भी जब एक नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर होती है तो फिर उस केस में वो रिजल्ट कैसा देता है, उस केस में वो नेगेटिव रिजल्ट देता है। और इवन पावर होती है एक नेगेटिव नंबर की तो ये कैसा रिजल्ट देता है, पॉजिटिव, क्योंकि रिजल्ट कैसा है, नेगेटिव है। इसका मतलब एन कैसा इंटीजर होना चाहिए, एक ऑड इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है।
अब सेवन्थ क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलीनोमल बाय दिस पॉलीनोमल, यानी कि इस पॉलीनोमल को जब इस पॉलीनोमल से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इसको नेम दे देते हैं इस पॉलीनोमल को पी वाई। तो इसको डिवाइड किया जाता है किससे, वाई से, और निकालना क्या है रिमाइंडर। जब रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं डिवाइजर को जीरो के साथ इक्वेट, मतलब वाई की वैल्यू क्या निकल आती है जीरो। देयरफॉर रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग रिमाइंडर कितना होना चाहिए पी ए, और ए यहाँ पर कितना है जीरो ना। तो ये है रिमाइंडर किस केस में, जब इस पॉलीनोमल को हम लोग इस पॉलीनोमल से डिवाइड करेंगे। लेकिन ये तो कैसी फॉर्म है, पॉलीनोमल फॉर्म है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, इस गिवन पॉलीनोमल में हम लोग वेरिएबल यानी कि वाई की जगह पे क्या रखते जाए जीरो, और सिंप्लीफाई कर लें तो रखिए फाइव वाई क्यू है, तो वाई की जगह पे जीरो रखोगे इंटू फाइव करोगे तो क्या मिलेगा जीरो। फिर माइनस का साइन लगाओ, टू इंटू वाई स्क्वायर है जीरो हो जाएगा, इंटू टू करेंगे तो भी क्या हो जाएगा जीरो, सेवन इंटू वाई है तो क्या हो जाएगा ये भी जीरो, और प्लस का वन है, करेक्ट है। तो जीरो माइनस जीरो माइनस जीरो प्लस वन कितना निकल के आ गया वन, इसका मतलब रिमाइंडर कितना निकल के आएगा इस केस में वन निकल के आएगा, है कहीं ऑप्शन। अब एट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू फोर, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज वॉट। मतलब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है जिसकी की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है, और इस कंडीशन या एक्सप्रेशन के बेसिस पर हम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है 4 के इक्वल है, और हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पे हम लोगों के ये लीनियर टर्म्स हैं, और ये किस फॉर्म में है, स्क्वायर्ड फॉर्म में। ये कब हो सकते हैं लीनियर से स्क्वायर्ड फॉर्म में, जब दोनों साइड्स का क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। तो चलिए दोनों साइड्स का स्क्वायर कर रहे हैं इक्वेशन की, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और इसका होल स्क्वायर कर दिया, तो इस साइड का भी हम लोग स्क्वायर करें, बात समझ आती है। नाउ दिस इज लुकिंग लाइक वॉट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पे एक ही जगह पर x है और b की जगह पर 1 अपॉन x है, और हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, एक्सपेंड कर देते हैं। तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन x का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो 2 इंटू ए की जगह पर क्या है x और b की जगह पर क्या है 1 अपॉन x, एंड दिस इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16। अब फिर से लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स ऊपर है ये नीचे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिला 2, एंड दिस इक्वल टू 16। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की, तो इसके लिए क्या करें इसको ट्रांसपोज, तब लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 2, और 16 माइनस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14। और ये किसकी वैल्यू निकाली एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की, है कहीं ऑप्शन में, यस ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।